छह महीने में 21,000 करोड़ की फ्री बीज स्कीम। चुनाव आयोग का तंज, 5 साल याद क्यों नहीं आई, आखिरी में ही क्यों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने फ्री बीज स्कीम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों सभी सरकारों को 5 साल बाद याद नहीं आती, आखिरी महीने या 15 दिन में ही सभी घोषणाएं करने की याद आती है, लेकिन ये राज्य सरकारों का अधिकार है। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने के 6 महीने पहले ही शिवराज सरकार ने 4 बड़ी फ्री बीज स्कीम लागू की है, जिन पर सालाना 21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव की तारीख घोषित होने से भी 2 दिन पहले 53,000 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया है। चुनाव आयोग ने फ्री बीज पर क्या कहा। फ्री बीज के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में क्या कहेंगी, उन्हें ये कहने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही वोटर को यह जानने का अधिकार है कि किसी घोषणा को कब, कैसे और कितना लागू करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक प्रोफार्मा जारी किया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा कि उनकी कोई भी मुफ्त वाली घोषणा के लिए डेट टू जेडीपी रेशियो क्या होगा, आप कितना लोन लेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसीव क्या होगा। फ्री बीज पर चुनाव आयोग के 2 सवाल, FRBM के टारगेट तोड़ेंगे या नहीं, किसी योजना को बंद करके इसे लागू करेंगे या लोगों पर अतिरिक्त कर लगाएंगे, फ्री बीज पर कितना सरकारी धन खर्च होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 10 बड़ी घोषणाओं पर ही 23,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होगी, खासकर लाडली बहना योजना, जिस पर 1,31,00,000 हितग्राहियों को प्रति माह 1,250 रुपए देने के हिसाब से फिलहाल सालाना 19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री का वादा इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की तरफ से फ्री बीज योजना लागू की गई है, कांग्रेस ने भी सत्ता में आने के बाद नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपए हर महिला के खाते में डालने का वादा किया है। हालांकि अभी बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र आना बाकी है। चुनाव से 6 महीने पहले 4 बड़ी स्कीम लागू। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा से पहले 6 महीने में शिवराज सरकार ने लाडली बहना सहित 4 बड़ी योजनाएं लागू की हैं, जिन पर सालाना 21,675 करोड़ रुपए वित्तीय भार सरकारी खजाने पर आएगा। 10 जून 2023 लाडली बहना योजना, इस योजना के तहत 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में हर खाते में 1,250 रुपए डाले जा रहे हैं। 163.75 करोड़ हर महीने का खर्च, सालाना 19,650 करोड़ खर्च होगा। 14 अगस्त 2023 किसान सम्मान निधि 2,000 बढ़ाई, प्रदेश के 87,00,000 किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4,000 से बढ़कर 6,000 रुपए की गई। इसमें सरकारी खजाने पर 1,750 करोड़ का सालाना अतिरिक्त बोझ, हालांकि ये सरकार पर साल में एक बार बोझ है। 20 जुलाई 2023 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप, सरकार ने कक्षा 12वीं के 78,641 मेधावी छात्र छात्राओं के खाते में 25,000 रुपए डाले, इस पर सरकार पर 196,60,00,000 रुपए का बोझ आया, ये सरकार पर साल में एक बार बोझ है। 24 अगस्त 2023 7800 स्टूडेंट्स को स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी 1,20,000 और पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 90,000 रुपए निर्धारित किए थे, इस पर खर्च 79 करोड़ रुपए, ये खर्च भी साल में एक बार ही होना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 6 बड़े ऐलान, 23,000 रोजगार सहायकों का वेतन 2 गुना, 28 जून 2023 9,000 से बढ़ाकर 18,000 किया, इसके वेतन पर सालाना 248 करोड़ खर्च होता था जो अब 496 करोड़ हो गया, मतलब 248 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। पंचायत सचिवों को 7वां वेतन नामा, 21,110 पंचायत सचिवों का वेतन 34,632 से बढ़ाकर 41,814 रुपए किया गया, नया वेतनमान देने से सरकार पर 181 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। कर्मचारियों का DA 4% बढ़ाया, प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता DA 38% से बढ़ाकर 42% किया गया, इससे सरकार पर 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। अतिथि शिक्षकों के मानदेय को 2 गुना, मध्य प्रदेश में 67,910 अतिथि शिक्षक हैं, इनमें ये वर्ग 1 में 15,920, वर्ग 2 में 38,294 और वर्ग 3 में 13,695 हैं, इस हिसाब से सालाना 575 करोड़ का बोझ। कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय 20,000 बढ़ाया, अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के 4,500 से ज्यादा अतिथि विद्वानों का मानदेय 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।